नमस्कार, ये डेटा क्या कहता है मैं आप सब लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं अजय प्रकाश। अभी पिछले दिनों मैंने जनमत सर्वेक्षण यानी कि जिसको अंग्रेजी में हम ओपिनियन पोल बोलते हैं, उस पर कुछ रिसर्च की है और यही डेटा मैं आज आपको इस एपिसोड में दिखाऊंगा। ओपिनियन पोल किसी भी राज्य के चुनाव से करीब 1 साल पहले से आने लगते हैं। यही हाल लोकसभा का जब चुनाव होता है तब भी ये ओपिनियन पोल्स बहुत पहले से अखबारों में छपने लगते हैं। अब 1 साल का वक्त राजनीति में तो बहुत बड़ा होता है। 1 साल क्या, 6 महीने या 3 महीने में भी बाजी पलट जाती है। फिर हमको सोचना पड़ता है कि इन जनमत सर्वेक्षण का मकसद क्या होता है। अगर आप राजनीति को फॉलो करते हैं तो जब भी इलेक्शन आता है तो आप भी ये अनुमान लगा ही लेते हैं कि कौन सी पार्टी जीतेगी। जो चीज नहीं पता होती है या जो अननोन फैक्टर होता है वो है कि सीट्स कितनी आएंगी। लेकिन ये सर्वेक्षण या ओपिनियन पोल भी सीटों का अनुमान लगाने में ज्यादातर फेल ही हो जाते हैं। इस एपिसोड के लिए मैंने सारा डेटा विकिपीडिया से लिया है। अगर आप किसी भी राज्य का इलेक्शन पेज किसी भी साल का देखेंगे तो उसमें नीचे ओपिनियन पोल के नतीजे भी दिए होते हैं और वहां पर यह भी रेफरेंस है जहां से विकिपीडिया ने ये इंफॉर्मेशन उठाई है। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जिस भी चैनल पर आप ये देख रहे हैं उसको सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ओपिनियन पोल्स का विश्लेषण करने के लिए मैंने 7 इलेक्शंस चुने हैं। राजस्थान 2018, कर्नाटका 2018, झारखंड 2019, वेस्ट बंगाल 2021, उत्तर प्रदेश 2022, गुजरात 2017 और फिर जो अभी हाल ही में इलेक्शन हुआ 2022 गुजरात में। इस सूची में पहले 4 राज्य ऐसे हैं जहां पे बीजेपी को छोड़कर कोई अन्य पार्टी चुनाव जीती थी। फिर है उत्तर प्रदेश और गुजरात जो कि बीजेपी के गढ़ माने जाते हैं। तो चलिए देखते हैं इन सब राज्यों में ओपिनियन पोल्स का क्या नतीजा हुआ था। याद रखिए मैं बात कर रहा हूँ ओपिनियन पोल की, ना कि एग्जिट पोल की। ओपिनियन पोल ऐसा होता है जिसमें एक ही एजेंसी कई बार ये पोल कंडक्ट करती है और उसके नतीजे प्रकाशित करती है, जबकि एग्जिट पोल जैसा आप जानते हैं इलेक्शन के बाद एक ही बार ये पब्लिश किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा गुजरात 2017 के चुनावों की। मैं आपको एक टेबल दिखाऊंगा जिसका मैं फॉर्मेट पहले आपको समझाऊंगा और उसके बाद अन्य राज्यों का समझने में आपको आसानी हो जाएगी। ये है गुजरात 2017 का डेटा। पहले कॉलम में यहाँ पर उन एजेंसीज का नाम है जिन्होंने ओपिनियन पोल प्रकाशित किया और जिस तारीख को उन्होंने किया वो तारीख दूसरे कॉलम में दी गई है। उसके बाद जो 3-4 आगे की कॉलम्स होंगी उसमें वो पार्टियां हैं जो मेजर कंटेंडर थे इस चुनाव में, जैसे कि गुजरात में बीजेपी और कांग्रेस थे और अन्य सब पार्टियां मैं लास्ट में अदर्स के नाम से डाल दिया है, जिसमें छोटी पार्टियां और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स वहां पर लिस्टेड रहेंगे। नीचे जो आप पीली रो देख रहे हैं इसमें जो भी ओपिनियन पोल ने अनुमान लगाया सीटों का उनका एक एवरेज यहाँ पर दिखाया गया है, यानी कि बीजेपी का एवरेज प्रिडिक्शन 2017 के गुजरात चुनाव में 121 था। इसी तरह से कांग्रेस का भी इन सारी सीटों का यहाँ पर एवरेज लिया है जो कि 60 था और अन्य सभीों का 2 था। जो नीचे लाल रो है उसमें रिजल्ट जैसे इलेक्शन के दिखाए गए हैं, बीजेपी को जैसे मिले थे 99 सीट्स, कांग्रेस को 77, अन्य सभी को 6, टोटल गुजरात में 182 सीटें थी। और बाईं तरफ ये एक नीला बॉक्स है जिसमें मैं दिखा रहा हूँ डिफरेंस इंडेक्स। इस इंडेक्स का मतलब है कि जो यहाँ पे एवरेज हमने कंप्यूट किया था वो असली जो रिजल्ट्स आए उससे कितना नजदीक या दूर था। डिफरेंस इंडेक्स जितना 0 के करीब होगा उतना ही अच्छा प्रडिक्शन माना जाएगा और जितना ये 0 के दूर होगा उतना ही खराब ये प्रडिक्शन होता है।
तो गुजरात के 2017 के चुनावों में डिफरेंस इंडेक्स था 28, छत्तीसगढ़ 2018। इस चुनाव में एवरेज प्रेडिक्शन सब पार्टियों का गलत ही दिया गया था। ऐसा बोला गया था कि बीजेपी जीत रही है और बीजेपी की सरकार बनेगी, लेकिन हुआ बिल्कुल ही उल्टा। बीजेपी का एवरेज सीट्स बताई गई थी 44, कांग्रेस की 40, अन्य 6, और जब नतीजे आए उसमें बीजेपी को मिली 15, कांग्रेस को 68 और अन्य सभी को 5 और बीएसपी को 2 सीट। टोटल सीट्स असेंबली में 90 थी। डिफरेंस इंडेक्स बढ़कर 41 हो गया। राजस्थान 2018, ओपिनियन पोल एजेंसीज ने थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट इस इलेक्शन में दिखाई थी। सभी ओपिनियन पोल्स में कांग्रेस को ज़्यादा सीटें दी गई थी। उसका एवरेज सीटों का अनुमान था 123, उधर बीजेपी का एवरेज सीट अनुमान था 69, और जब रिजल्ट्स आए तो उसमें बीजेपी को 73, कांग्रेस को 100 सीट मिली और अन्य सभी, यहाँ पर गड़बड़ हो गई थी, अन्य सभी को मिली 27 जबकि अनुमान था 8 का। डिफरेंस इंडेक्स इस इलेक्शन में थोड़ा बेटर हो गया 25। कर्नाटका 2018, इस चुनाव में बीजेपी को अंडर एस्टिमेट किया गया था जबकि कांग्रेस को ओवर एस्टिमेट किया था। हालांकि जेडीएस का प्रिडिक्शन बिल्कुल ही सही रहा था। ऐसा अनुमान था कि बीजेपी को 87 सीट मिलेंगी जबकि आई 104, कांग्रेस का अनुमान था 96, मिली केवल 80। जेडीएस को अनुमान था 36, उनको मिली 37। डिफरेंस इंडेक्स था 23। झारखंड 2019, इस चुनाव के लिए केवल एक ही एजेंसी का डेटा मिला है तो वो इतना ज़्यादा नहीं है कि इस पर कोई टिप्पणी की जाए, लेकिन डिफरेंस इंडेक्स था इनका 14। पश्चिम बंगाल 2021, इस चुनाव को तो भूला ही नहीं जा सकता है। आपको बीजेपी का स्लोगन अब की बार 200 पार तो अच्छी तरह याद ही होगा, लेकिन एक भी ओपिनियन पोल एजेंसीज ने ये फिगर नहीं दिया था। इनका एवरेज सीट्स का प्रिडिक्शन था केवल 121, तृणमूल कांग्रेस का था 147 और संयुक्त मोर्चा, जो सीपीआई लेड संयुक्त मोर्चा था, उनका था 25। लेकिन जब नतीजे आए तो कुछ उल्टा ही हो गया। तृणमूल कांग्रेस 216, बीजेपी को केवल 77 सीट्स आई और संयुक्त मोर्चा को केवल 1। डिफरेंस इंडेक्स बहुत ही एक बड़ा नंबर था 85। और अंत में देखेंगे बीजेपी का गढ़ उत्तर प्रदेश और हाल ही में हुआ गुजरात का चुनाव। उत्तर प्रदेश 2022, इस चुनाव में बीजेपी को अंडर एस्टिमेट किया गया और समाजवादी पार्टी को ओवर एस्टिमेट। सबसे बड़ी गलती हुई थी बीएसपी के प्रेडिक्शन में, जिसको बोला गया 20 सीट्स मिलेंगी और आई केवल एक ही सीट थी। एनडीए को बोला 240, आई 273, सपा को 132, आई 125, जो कि काफी नजदीकी था। टोटल डिफरेंस इंडेक्स था 39। अब देखेंगे गुजरात 2022 में ओपिनियन पोल्स का प्रडिक्शन कैसे रहा, जो चुनाव अभी हाल ही में संपन्न हुआ है। इस चुनाव में भी बीजेपी को अंडर एस्टिमेट किया गया, कांग्रेस को ओवर एस्टिमेट किया गया और आपका प्रिडिक्शन ऑलमोस्ट बिल्कुल सही था। डिफरेंस इंडेक्स था 44। अब मैं आपको दिखाता हूँ डिफरेंस इंडेक्स को प्लॉट करके, जिसको मैं कहता हूँ डिफरेंस इंडेक्स व्हील। इस व्हील या पहिए में अगर हम ऊपर से शुरू करें तो वो स्टेट्स या इलेक्शन आते हैं जहाँ पे बिल्कुल ही गलत चुनाव का प्रिडिक्शन किया था ओपिनियन पोल्स ने। पश्चिम बंगाल डिफरेंस इंडेक्स था 85। उसके बाद आता है गुजरात, अभी हाल ही का 2022 का चुनाव, डिफरेंस इंडेक्स था 44। इनका इसमें भी प्रोडिक्शन ओपिनियन पोल्स का कोई खास अच्छा नहीं था। इसी तरह से छत्तीसगढ़, यूपी, गुजरात, ये मिडिल स्टेट्स मानी जाती है जिनका डिफरेंस इंडेक्स 40 या 30 के आसपास होता है। फिर जिसको हम रीजनेबल बोल सकते हैं वो स्टेट्स हैं जिनका डिफरेंस इंडेक्स 25 से कम होता है। वो राज्य हैं गुजरात 2017, राजस्थान 2018, कर्नाटक 2018 और झारखंड 2019। झारखंड में डेटा सिर्फ एक ही एजेंसी का था।
बिल्कुल सही, तो कोई भी प्रेडिक्शन नहीं रहा है और शायद ऐसी उम्मीद करना भी गलत है। तो अभी तक हमने देखा एक एवरेज एनालिसिस, हमने जितने भी ओपिनियन पोल एक स्टेट में आए थे उनका एवरेज लिया और फिर उसको जो रिजल्ट्स आए थे असली रिजल्ट्स उससे कंपेयर किया और एक डिस्टेंस फैक्टर निकाला था। अब हम देखेंगे कि एक पर्टिकुलर एजेंसी, उसको हम लेंगे सारे इलेक्शंस में और देखें उन लोगों ने कैसा प्रिडिक्शन किया है। जिस एजेंसी को मैंने सेलेक्ट किया है वो केवल इसलिए है कि उस एजेंसी का डेटा सबसे ज़्यादा मेरे पास था। मैं उस एजेंसी की ना तो निंदा कर रहा हूँ और ना ही आलोचना, क्योंकि मेरे को ऐसा विश्वास है कि अगर किसी और एजेंसी का भी डेटा होता तो वो भी एनालिसिस ऑलमोस्ट सिमिलर ही होती। मैं एनालाइज अब करूंगा एबीपी न्यूज़ और सी वोटर के ओपिनियन पोल्स को। एबीपी न्यूज़ सी वोटर के मेरे पास 15 ओपिनियन पोल के प्रिडिक्शन है 2018 से 2022 तक। ये या तो पार्टनरशिप में इन्होंने ये पोल दिया है या कि और अन्य एजेंसी के साथ मिलकर ये ओपिनियन पोल्स इन्होंने कंडक्ट किए थे। अब जैसा कि जब हम एवरेज की बात करते थे तो हमारे पास एक डिस्टेंस इंडेक्स था, इसी तरह जब हम एक इंडिविजुअल एजेंसी की बात करते हैं तो उसकी परफॉर्मेंस को जज करने के लिए मैंने एक निकाला है क्लोजनेस इंडेक्स। क्लोजनेस इंडेक्स अगर 0 हो तो वो प्रिडिक्शन बिल्कुल ही खराब होता है, और अगर वो 1 हो तो वो बहुत ही अच्छा होता है, 100% एक्यूरेट होता है। तो मैं अब इन चुनावों में इन एजेंसीज का क्लोजनेस इंडेक्स प्लॉट करके दिखाता हूँ। पहली चीज तो आप क्लोजनेस इंडेक्स की वैल्यू समझ लीजिए, अगर ये वैल्यू 0.3 से कम है तो वो प्रेडिक्शन कोई अच्छा नहीं माना जाता है। अच्छा प्रेडिक्शन 0.5, 0.6, 0.7 इस रेंज में माना जाता है। यहाँ पर जो लाल रंग की बार्स हैं वो सब हैं 0.2 से नीचे, और ऑरेंज जो हैं वो हैं 0.3 से नीचे। केवल एक आपको हरी लाइन दिख रही होगी जिसमें क्लोजनेस इंडेक्स 0.57 था। ये एबीपी लोक नीति सीएसडीएस का गुजरात में 2017 अगस्त में ये प्रिडिक्शन आया था, जो कि एक्चुअल रिजल्ट्स के काफ़ी नज़दीक था, लेकिन उसके बाद इन्होंने दो और प्रिडिक्शन किए जो बिल्कुल ही खराब हो गए थे। तो एबीपी न्यूज़ और सी वोटर का अगर आप हिट रेट पूछें तो वो बहुत ही खराब है, केवल 15 में से एक ही चुनाव का प्रिडिक्शन उनका 0.5 को क्रॉस किया है। तो ये थी कहानी ओपिनियन पोल्स की। मेरे हिसाब से इन पर बिल्कुल भी समय नहीं हम लोगों को बर्बाद करना चाहिए। हमने एवरेज भी देखा जहाँ पे सारे ओपिनियन पोल्स का हमने एनालिसिस किया, उनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जो सही हो। फिर हमने एबीपी न्यूज़ और सी वोटर का इंडिविजुअल परफॉर्मेंस देखा पिछले 3-4 साल में, और उसमें भी कोई भी ऐसा प्रेडिक्शन नहीं था जो बहुत सही रहा हो। तो देखने के लिए धन्यवाद, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे कोई नया डेटा लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।